नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश भगवान की कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ प्रेम कहानियां जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। सुनी होंगी तो ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कुछ दंत कथाओं, भगवान गणेश को बिना शादी के पूजा जाता है, यानी कि उनसे कहते हैं कि वह शादीशुदा नहीं है। लेकिन कुछ कहानियों में कहा गया है कि उनकी शादी हुई है और उनकी पत्नी का नाम है रिद्धि और क्षिति। जब भगवान गणेश का सृजन हुआ था, यानी कि पैदा हुए थे, तो भगवान शिव और पार्वती इतने ज्यादा खुश थे, पूरे पृथ्वी पर खूब उत्सव मनाया गया और अच्छे से उनका सृजन किया गया। कहते हैं कि भगवान गणेश की सेवा से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। तारकासुर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कार्तिकेय हुआ, जिसको हम सुब्रमण्यम के नाम से भी जानते हैं। आज जानेंगे हम गणेश भगवान की प्रेम कथाओं के बारे में। जब दोनों संतानें बड़े होने लगी तो भगवान शिव और पार्वती को चिंता होने लगी उनके विवाह की, तो उन्होंने उचित समय पर उनका विवाह करने की सोची। तभी गणेश और कार्तिकेय में झगड़ा होने लगा। उसकी कहानी मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से उनमें झगड़े हुए। विवाह के चक्कर में जब दोनों में विवाद होने लगे तो भगवान शिव और पार्वती ने इसका निर्णय अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि आप दोनों हमारे पास आइए। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों आप दोनों से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा लाड़ लड़ाते हैं, इसके लिए हम एक प्रतियोगिता रखवाएंगे, जिस प्रतियोगिता में जो विजयी होगा उसका हम विवाह सबसे पहले कराएंगे। उन्होंने प्रतियोगिता में रखा कि आप पहले जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा कर आ जाएगा वह सबसे पहले विवाह करेगा। तो कार्तिकेय और गणेश इस बात के लिए तैयार हो गए, ठीक है, अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चले गए। लेकिन गणेश भगवान वहीं रुक गए। उन्होंने पार्वती माता को और भगवान शिव को बैठाया, उनकी पूजा की, श्रद्धा की, और श्रद्धा करने के बाद 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर पूरे होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी के चक्कर लगाकर आ चुका हूँ। तब कार्तिकेय साहब पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि गणेश मुझसे पहले आया है, तो इसलिए विवाह गणेश का पहले किया जाएगा। भगवान गणेश ने तभी अपनी बात माता और पिता को बताई कि हमें जन्म देने वाले आप हो, तो हमारी समस्त दुनिया भी आप हो और वेद भी आप हो, तो इसलिए मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने क्यों जाऊँ, मैं तो आपके ही चक्कर लगा लूँ। अगर आपके तरफ चक्कर लगाने पर मैं पृथ्वी के चक्कर लगा सकता हूँ तो मुझे पृथ्वी पर जाने की क्या जरूरत। तो उन्होंने माता पार्वती को और शिव को ये बात समझा दी। गणेश भगवान की बात सुनके माता पार्वती और भगवान शिव इतने ज़्यादा प्रसन्नचित हुए और उनका दिल भर आया, भाव उत्तेजित हो गए और उनका दिल गदगद हो गया, यानी कि इतने खुश थे उनकी बात सुनकर ही। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान गणेश की ही सबसे पहले शादी की जाएगी। गणेश भगवान की शादी प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियाँ रिद्धि और सिद्धि से हुआ और उनकी शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से की गई। और शादी हो जाने के बाद भगवान गणेश के दोनों से उन्हें एक पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे लाभ और क्षेम। तो भगवान गणेश की इस प्रकार शादी हुई। इस वीडियो के दौरान जानिए कि भगवान गणेश ने किस प्रकार से शादी की। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।